हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओट्स के चीले बनाने जा रहे हैं और वो भी हम लौकी की बची हुई सब्जी को यूज करके बनाने जा रहे हैं, जिससे ये बहुत ही पौष्टिक चीले बनेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ओट्स बहुत फायदेमंद है और इसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और काफी कुछ इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफी हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। तो आज इन सबको और बची हुई अपनी लौकी की सब्जी को मिक्स करके हम चीले बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस लौकी को एक मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जिससे इसमें जो इसके टुकड़े हैं थोड़े लौकी के वो अच्छे से मैश हो जाएं। अगर आपके घर में कोई लौकी खाना पसंद नहीं करता है तो आप, या बच्चे नहीं खाना चाहते, तो आप इस तरीके से आप ओट्स के चीले बनाएं। और लौकी की सब्जी तो मेरे पास बची हुई थी तो मैंने यूज किए, लेकिन आप लौकी को बॉइल करके ऐसे ही मैश करके इसमें डाल सकते हैं। ये लौकी बहुत अच्छे से मैश हो गई है, लौकी बहुत आसानी से हो जाती है मैश, एक दो बार में ही हो गई है अच्छे से, बहुत छोटे छोटे इसमें टुकड़े हैं। और अब हम इसको एक बड़े बाउल में ले लेते हैं, मिक्सिंग बाउल में। इसी बाउल में जो हमने ओट्स लिए हैं, ये ओट्स डाल रहे हैं हम, छोटा बाउल भर के हमने ओट्स लिए हैं ये। अभी हमने आधा बाउल ही लिए हैं, आधा बाउल ओट्स डाले हैं अभी हमने इसमें। इसमें हम एक, दो और तीन चम्मच हम इसमें दही डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके हम ओट्स को थोड़ा सा फूलने के लिए, थोड़ी देर सोख होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं, ये ओट्स अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, दो चम्मच हम इसमें पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, जिससे ये पतला हो जाए, काफी गाढ़ा हो गया है इसका पेस्ट। और इसको हल्का, इसको भी हल्का सा हम मैशर से मैश कर लेंगे, जिससे एक थोड़ा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए हमारा चीले के लिए। ये बैटर अभी थोड़ा और गाढ़ा है तो अभी इसमें हम आधा कप पानी और डाल रहे हैं इसमें हम, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने इसमें सब्जियां काट के रखी हैं, इसमें हम ये एक, दो और तीन चम्मच हमने इसमें कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, ये दो चम्मच, दो बड़े चम्मच हमने इसमें कटा हुआ टमाटर डाला है। ये हमारे पास बीन्स रखी थी, फ्रेंच बीन्स है ये हम दो चम्मच डाल रहे हैं। आपके पास जो सब्जी हो वो आप डाल दें इसमें, शिमला मिर्च, गाजर, ये भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। आधा चम्मच के आसपास हमने इसमें नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ये एक छोटा चम्मच हरी मिर्च डाली है हमने इसमें। ये 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और ये कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच। इन सबको मिलाकर अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अभी भी ये ठीक लग रहा है थोड़ा, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। हमने इसमें एक कप पानी और डाला है और इसका थोड़ा स्मूथ सा बैटर तैयार किया है। ये इतना इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा आधा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसके चीले बनाने की तैयारी करते हैं। अभी हम इसमें दो चम्मच, दो बड़े चम्मच भर के बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन भी डाल रहे हैं, ये एक और दो चम्मच भर के हमने इसमें बेसन डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तवा हमने गैस पर रख लिया है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी ले लें आप, उससे थोड़ा सा ग्रीस कर लें। चाहे तो आप बिल्कुल नो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल भी आप ऑयल ना डालें इसमें। मैं इस समय हल्का सा लगा रही हूं इसमें। और इसमें हम, ये अच्छा गर्म हो चुका है तवा, इसमें धुआं निकल रहा है, इसमें हम दो चम्मच ओट्स का मिक्सचर डाल देंगे और इसको धीरे धीरे एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसको फैला दें। बहुत ज्यादा पतला तो ये नहीं बन पाता है क्योंकि इसमें सब्जियां पड़ी हुई हैं, टमाटर भी हैं, बीन्स भी हैं, और तो इसलिए आप बहुत ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश ना करें, थोड़ा इसको मोटा ही रहने दें और इसको अच्छे से स्मूथ कर लें।
ये अपनी शेप में आ जाएगा। तो जब पूरी तरह सिक जाए तभी आप इसको पलट दें। बेसन डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा सा और थिक हो जाता है, ओट्स भी फूल जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें इसको थोड़ा सा शुरू में लूज इसका मिक्सचर रखा था, जो कि अब काफी थिक हो चुका है। और इसमें अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही है, आपका चीला सही नहीं बन रहा है, तो आप अपने हिसाब से बेसन और डाल सकते हैं, क्योंकि ओट्स में बाइंडिंग नहीं होती है, इसीलिए हमने इसमें बेसन डाला है। अब ये चीला हमने पूरा फैला लिया है, थोड़ा सा हम इसमें देसी घी ऊपर से हल्का सा डाल रहे हैं, और इसको फ्लेम हमने मीडियम कर दी है, और इसको पूरा सिकने के बाद ही हम इसको पलटेंगे। ये चीला बनने के बाद कलरफुल अच्छा लगता है देखने में भी, साथ ही साथ ही टेस्टी भी बहुत है। और इसमें हमने बची हुई सब्जी का भी यूज किया है, क्योंकि लौकी अक्सर लोग एक बार खाते हैं तो दोबारा दूसरी टाइम खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कभी ऐसे सब्जी बच जाती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, तो टेस्टी भी बहुत है, ये बच्चों को भी पसंद आएगा और हेल्दी है, लो कैलोरी तो है ही। ये अब एक साइड से सीक गया है, एक दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और दूसरी साइड से भी इसको पूरा सिकने तक हम थोड़ा सा दबा दबा कर अभी हम इसको सेकते रहेंगे। ये चीला रेडी हो गया है, इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब हम दूसरा चीला डालने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हम इसको तवे को हल्का सा ग्रीस करेंगे, और इसमें हम फिर से बैटर को डाल देते हैं। इन चीलों को आप फ्रेंड्स लंच बॉक्स में, बच्चों की टिफिन में भी रख सकते हैं पैक करके। इसको भी अच्छे से हमने स्मूथ कर लिया है ऊपर से, और गैस को फिर से मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से भी, ऑयल या घी जो चाहें आप ऊपर से हल्का सा लगा देते हैं। ये चीला भी सीख गया है, और इसको भी अब हम पलट लेते हैं। गैस को हम फिर से सिम कर दिया है हमने इसको, और हल्की आंच पे इसको कई बार पलट कर सेकेंगे। तो ये लीजिए ओट्स के चीले रेडी हैं, तो आप भी खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये चीले बनाकर आपको बहुत पसंद आएंगे ये चीले, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।